अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, इससे पिछले टॉपिक में हमने देखा कि अगर कोई भी हमारे पास कंडक्टर है, अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो करंट अपने इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ कहीं भी करंट होगा उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब इस टॉपिक में हम दो मैग्नेटिक फील्ड्स का इंटरेक्शन देखेंगे। एक तो मैग्नेटिक फील्ड करंट का अपना मैग्नेटिक फील्ड है जो उसके अराउंड होगा, और दूसरा होगा कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगे तो उसके नतीजे में कंडक्टर जो है वो एक फोर्स फील करेगा। तो वो फोर्स क्या होगी, किस तरह से उसको कैलकुलेट किया जाएगा, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो सारा कुछ हम यहाँ पर इस टॉपिक में इंशाल्लाह सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पर बनाया है, तो पहले उसको देख लेते हैं। हमारे पास कॉपर की दो रीलिंग्स हैं, ठीक है जी, एक ये है और एक ये है। इस तरह की कॉपर की बनी हुई दो रीलिंग्स हैं और उनके ऊपर हमने यूं करके एक कंडक्टर रख दिया है। तो ये हमारा कंडक्टर है जो रेड आपको नज़र आ रहा है, और ये जो ब्लैक हैं ये कॉपर रेलिंग्स हैं जिनके ऊपर हमने कंडक्टर रखा है। अब ये कंडक्टर जो है इन रेलिंग्स के ऊपर इस तरह से जो है वो मूव कर सकता है। अच्छा जी, ये कंडक्टर भी कॉपर का है और रेलिंग्स भी कॉपर की हैं। हमने क्या किया है, यहाँ पर इन रेलिंग्स को हमने कनेक्ट कर दिया है एक सेल के साथ या एक बैटरी के साथ। तो रेलिंग का जो ये वाला एंड है ये हाई पोटेंशियल पे चला गया, ये लो एंड पे चला गया, लो पोटेंशियल पे चला गया। तो क्या होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ये सर्किट जो है ये कम्प्लीट हो जाएगा। ये देखें, ये सेल है, आप ये ना समझिएगा कि ये दरमियान में या जगह खाली है तो करंट फ्लो कैसे करेगा। तो ये एक मुकम्मल सेल है, तो ये लूप कंप्लीट हो जाएगा। जब लूप कंप्लीट होगा तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा कंडक्टर के एंड ए से एंड बी की तरफ। यहाँ से करंट आएगा यूँ, और ये लूप कंप्लीट होगा तो करंट इसमें फ़्लो करना शुरू कर देगा। अब हमने इस पूरे सेटअप को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और वो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर, यानी कि कंडक्टर ऐसे पड़ा ना, ये देखें ऐसे पड़ा कंडक्टर, ठीक है, इन रेलिंग्स के ऊपर ये कंडक्टर पड़ा यूं करके, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसका मतलब है कि इस कंडक्टर की जो लेंथ है उसके परपेंडिकुलर है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, या आप यूं भी कह सकते हो कि करंट के परपेंडिकुलर है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ज़रूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ही हो, मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के साथ किसी भी एंगल पर हो सकता है, ठीक है, वो एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सिर्फ एंगल 0 या 180 ना हो, उसके अलावा किसी भी एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने इस तरह से रखा है कि कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जो है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जो ही करंट फ्लो करना शुरू करेगा कंडक्टर जो है ये स्लाइड करना शुरू कर देगा, कंडक्टर ऐसे मूव करना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर कंडक्टर पर कोई फोर्स लगी है जिसकी वजह से कंडक्टर ने इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया है। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं, हम ये जो कनेक्शंस हैं इनको रिवर्स कर देते हैं, हम पॉजिटिव इसको कर देते हैं और नेगेटिव इसको कर देते हैं। तो नतीजा क्या होगा, करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। करंट पहले इस तरह से फ्लो कर रहा था क्लॉकवाइज, करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। जो ही हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो हमारा कंडक्टर जो कि पहले रोल करता हुआ इधर को जा रहा था ये वापस आना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि फोर्स की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये फोर्स जो इस पर लगी है, ठीक है, ये फोर्स क्या है। इस फोर्स की वजह से कंडक्टर ने रोल करना शुरू कर दिया इन रेलिंग्स के ऊपर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये फोर्स जो है, ये फोर्स इस कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, और ऐसे फोर्स लगी तो कंडक्टर ने क्या किया, जो ही कंडक्टर पर फोर्स लगी तो कंडक्टर ने स्लाइड करना या कंडक्टर ने रोल करना शुरू कर दिया इन रेलिंग्स के ऊपर। तो अब ये जो फोर्स है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, यानी कि जो ही हमने इस कंडक्टर में से गुजरने वाला करंट बढ़ाया तो कंडक्टर की जो मूवमेंट है उसमें तेज़ी आ गई। इसका मतलब है कि फोर्स करंट बढ़ाने से जो कंडक्टर पर फोर्स लग रही है वो बढ़ गई, फोर्स बढ़ी है तो कंडक्टर की मूवमेंट में तेज़ी आई है। अच्छा जी, ये फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। इसका मतलब है कि हमने इस कंडक्टर की लेंथ फ़र्ज कर लें एल है, ठीक है, ये कंडक्टर का एंड ए है, ये एंड बी है, और कंडक्टर की टोटल लेंथ जो है इन दोनों एंड्स के दरमियान वो एल है।
हमने कंडक्टर की लेंथ बढ़ाई, लंबा कंडक्टर लिया, जो ही हमने कंडक्टर की लेंथ बढ़ाई तो कंडक्टर की मूवमेंट में तेज़ी आ गई, और अगर हमने कंडक्टर की लेंथ कम की तो मूवमेंट स्लो हो गई। इसका मतलब है कि लेंथ बढ़ाने से फोर्स बढ़ रही है कंडक्टर पर, और लेंथ कम करने से फोर्स कम हो रही है। अच्छा जी, ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड। एक तो कंडक्टर का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो ये फोर्स जो है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर हमने ये पूरा सेटअप रखा हुआ है, अगर उस फील्ड की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ जाएगी, कंडक्टर की मूवमेंट में तेज़ी आ जाएगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड कम करेंगे तो कंडक्टर की मूवमेंट में कमी आ जाएगी। इसका मतलब है फोर्स भी कम हो गई है। अच्छा जी, ये फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन अल्फ़ा के। साइन जो है ये एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के दरमियान, यानी कि ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा कंडक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो आप यूँ समझ सकते हैं, ये देखें, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा कंडक्टर पड़ा हुआ है, तो इन दोनों के दरमियान जो ये वाला एंगल है, इस एंगल का जो साइन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। अच्छा, अब इन सबको अगर हम इकट्ठा कर लें तो हमारे पास ये बन जाएगा F इज़ प्रोपोर्शनल टू BIL साइन ऑफ अल्फ़ा, और अगर प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करें तो इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आएगा BIL साइन अल्फ़ा। ये जो कांस्टेंट है K, SI यूनिट्स में इसकी वैल्यू है 1, तो K हमारे पास 1 है, तो फोर्स हमारे पास क्या आ गई BIL साइन अल्फ़ा। तो ये वो फोर्स है जो कंडक्टर पर लग रही है और जिसकी वजह से कंडक्टर मूव कर रहा है, और ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर की लेंथ इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अच्छा जी, अब फ़र्ज़ कर लें जिस तरह हमारी एग्जांपल है ये वाली, इस एग्जांपल में हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है और कंडक्टर ये है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। अगर परपेंडिकुलर हैं तो एंगल 90 होगा, और अल्फ़ा की जगह अगर 90 पुट कर दें तो साइन 90 आपको पता है, साइन 90 की वैल्यू जो है ये 1 होती है, तो फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी, फोर्स हमारे पास आ जाएगी BIL। ठीक है, ये फोर्स उस वक्त है अगर मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर एक दूसरे के नॉर्मल पड़े हों, एक दूसरे के परपेंडिकुलर पड़े हों। ठीक, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से अगर हम B की वैल्यू निकालें तो B हमारे पास आएगा F ओवर IL। ये जो B है इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या हम इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। हमने मैग्नेटिक इंडक्शन को या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को तब डिफाइन किया है, याद रखें, जब हमने ये सपोज किया है कि मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर पड़े हैं। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन करें तो यहाँ से बड़ी क्लियर डेफिनेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ पर यूनिट करंट। यानी कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसमें से 1 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, तो 1 मीटर लेंथ वाले कंडक्टर में से 1 एम्पेयर करंट गुजरने से जितनी उस पर फोर्स लगेगी वो फोर्स क्या कहलाएगी, वो फोर्स कहलाएगी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन है, इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसका यूनिट जो है फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और करंट का है एम्पेयर मीटर, तो ये बन गया न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है टेस्ला। ठीक है जी, तो ये MCQs में पूछा जा सकता है कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू व्हाट, और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि टेस्ला की डेफिनेशन करें। तो टेस्ला की डेफिनेशन क्या होगी, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। यानी कि अगर 1 मीटर लेंथ वाले कंडक्टर में से 1 एम्पेयर करंट गुजरे तो उस पर 1 न्यूटन फोर्स लगेगी, उस फोर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी जिसकी वजह से ये फोर्स लग रही है तो वो 1 टेस्ला होगी। ठीक है जी, तो ये SI यूनिट है। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है जो हम CGS सिस्टम में लेते हैं वो हमारे पास गॉज है। ठीक है जी, इसी तरह हमारा जो FPS सिस्टम है उसमें डिफरेंट यूनिट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो यूनिट है वो है जी टेस्ला।
अच्छा जी, इसके बाद ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक इंडक्शन, और उसके साथ हमने उसके यूनिट की बात कर ली, फिर हमने यूनिट को डिफाइन किया, ठीक है जी। तो अब हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअली ये जो फोर्स लगती है हमारे कंडक्टर के ऊपर, ये फोर्स लगती क्यों है। तो स्टार्ट में, इस लेक्चर के शुरू में हमने कहा कि दो फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती हैं, दो फील्ड का आपस में इंटरेक्शन होता है, तो उस इंटरेक्शन के नतीजे में ये फोर्स लगती है। तो उस इंटरेक्शन को ज़रा डीपली हमने स्टडी करना है, लेकिन उससे पहले हम ये जो हमारी फोर्स है, ठीक है, इसको हम अगर लिख लें F इज इक्वल टू बी आई एल साइन अल्फ़ा, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ I इंटू बी एल साइन अल्फ़ा, ठीक है। देखें B तो एक वेक्टर ही है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, L है लेंथ ऑफ कंडक्टर। फ़र्ज़ कर लें कि कंडक्टर बिल्कुल स्ट्रेट है, अगर कंडक्टर बिल्कुल स्ट्रेट हो तो कंडक्टर की लेंथ के अक्रॉस हम एक यूनिट वेक्टर बना सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर इन दो पॉइंट्स के दरमियान कंडक्टर की लेंथ L हो और कंडक्टर बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो ये जो डिस्टेंस है इन दो पॉइंट्स के दरमियान, ये क्या बन जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट हो। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा तो फिर L भी एक वेक्टर बन जाएगा और B भी एक वेक्टर बन जाएगा। तो हम बी एल साइन अल्फ़ा को लिख सकते हैं, जिस तरह आपने पीछे सीखा था फर्स्ट ईयर में, इसको हम लिख सकते हैं L क्रॉस B, ठीक है। अब L क्रॉस B को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो दोबारा से L B साइन अल्फ़ा ही आएगा। तो ये हमारे पास है जी फोर्स का रिलेशन, इसको हमने क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया। और यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि L क्रॉस B जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और इस क्रॉस प्रोडक्ट का जो जवाब है वो है फोर्स। और आपको ये पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है वो हमेशा उन वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब है कि जिस प्लेन में L और B होंगे, ये फोर्स उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, या दूसरे लफ्ज़ों में फोर्स जो है ये L और B दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो इस फोर्स को हम राइट हैंड पाम रूल जो है उससे भी निकाल सकते हैं। इसके बाद करने जा रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फोर्स जो है ये किस तरह से आती है। तो ये देखें, यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाई है, इसमें हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसका हमने कुछ क्रॉस सेक्शन लिया है उस मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। उस क्रॉस सेक्शन में ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही हैं, और यहाँ पर दरमियान में हमने एक कंडक्टर रखा है, इस तरह से रखा है यूं करके, ठीक है। उसमें जो करंट है वो आउट ऑफ पेज है, ये वाला जो सिंबल है ना, ये वाला, इसका मतलब होता है आउट ऑफ पेज, यानी कि आपकी तरफ, और ये वाला सिंबल जो होता है ना, इसका मतलब होता है, क्रॉस का मतलब होता है इन टू पेज, यानी कि आपसे अवे, ठीक है। तो इसका मतलब है आउट ऑफ पेज, आपकी तरफ। तो यहाँ पर हमने जो कंडक्टर रखा है वो इस तरह से रखा है कि उसमें जो करंट है वो आउट ऑफ पेज है, यानी कि आपकी तरफ है। अब ये करंट है, अगर ये करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इसकी हमने पिछले टॉपिक में देखा कैसे निकाल सकते हैं राइट हैंड रूल से। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उधर थंब कर लें और फिंगर्स को कर्ल करें, तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर देखें, ये जो रेड डॉटेड लाइन मैंने बनाई है, ये रेड डॉटेड लाइन इस कंडक्टर का जिसमें करंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड है, और ये कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप गौर करें इस रीजन में, अगर आप इस रीजन में गौर कर सकते हैं तो देखें, इस रीजन में दोनों मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। अगर अपोज कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे को वीक कर देंगे, एक दूसरे के इफ़ेक्ट को रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे। तो इस रीजन में जो बी है ये वीक हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक हो जाएगा। अगर आप इस रीजन में देखें तो इस रीजन में देखें, दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो गए, दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं, एक दूसरे का जो मैग्नीट्यूड है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, एक दूसरे को स्ट्रेंथ कर रहे हैं। तो इस वजह से इस साइड पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन है वो आप देख रहे हैं, हमेशा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड से किस तरफ होगी, वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है। जिस तरह हमारे पास प्रेशर होता है, एक तरफ हाई प्रेशर होता है, एक तरफ लो प्रेशर होता है, जिस तरह हमारे पास पोटेंशियल होता है, एक तरफ हाई पोटेंशियल होता है, एक तरफ लो पोटेंशियल होता है, इसी तरह से हमारे पास मैग्नेटिक प्रेशर होता है, एक तरफ मैग्नेटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया, एक तरफ मैग्नेटिक प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से फोर्स जो है वो ज़्यादा मैग्नेटिक प्रेशर से कम की तरफ लगेगी, और कंडक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही है। क्लियर हो गया जी। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।